اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين صدق الله مولانا العظيم नबी्य मौजूल ख़वातिनकम वरहल वर्क प्रोग्राम मुश्किलात का इस्लामी हल लेकर फारुक़ शाह आपकी की में हाजिर है अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान तक टीवी टी वी के फजूज वर्कास से मुस्तफ़ी हो रहे हैं खला के आलम दिला जलाल हो इससे हमें कमा हक हो दीनी दुनियावी फ़वाद व बरक़ात हासिल करने की तोफ़ीकदा फरमाए पर आज की इस नशस्त में मैंने कुरने मजीद व फुरक़ान हमीद के जो चंद क़लिमात से तयब करने का शर्फ हासिल किया है इनसे मुतल चंद बातेंज करने के बाद आपसे दीगर गुजार की तरफ तो जो दिलाने की दरखास्त करूँगा रबालमीन नशाज़ फरमाते हैं वला रकब वला याबसन लाफ़ी किताब मुबीन क़ुरान मजीद व फ्रक़ान हमीद में किताब मुबीन में हर खुश को तर शह मौजूद है इसका जिक्र चाहे कोई शे खुश को हो या तर हो रबुलमी जिला जलाल ने अपनी पाक किताब में सब कुछ बयान फरमाया है और अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम को ये ड्यूटी दी है कि मेरे महबूब इंसानों की अक्लें छोटी हैं इल्म थोड़ा है इसलिए हर शय जो क़ुरान मजीद में मैंने बयान की है इसको वो यहाँ से निकाल नहीं सकेंगे इसे ढूंढ नहीं सकेंगे पा न सकेंगे इसलिए मेरे महबूब आसलाम आप लोगों को बताएं कि अल्लाह ने कुरान मजीद में क्या क्या और कहां-कहां बयान फरमाया है और इसको इससे निकालने के लिए क्या क्या तरीका बताया गया है रसूल सल्ला वसम के इस शादी ग्रामी पर कुरान मजीद व फुरक़ान हमीद के इन कल मातबात तो पर अहल ईमान तो यकीन रखते हैं लेकिन कुछ लोगों ने यह चाहा कि हम तजर्बाती तौर पर भी जो कुछ अल्लाह ने कुरान में बयान किया है उसको देखें और फिर उस पर या शक करेंगे या यकीन करेंगे खला के आलमदिल्ला जला के बंदों को अल्लाह ने इतना इल्म अपने महबूब के सद के अता फ़रमाया है कि वो लोगों को इन शिकुक शबहत से दूर करके बताते हैं कि अल्लाह ने अपने कलाम में जो फरमाया है सच फरमाया है मैं आपकी तवज्जो हजरत शाह अब्दुलज़ीज़ मुहदस देहलवी रही की तरफ़ मबजूल कराना चाहता हूँ अल्लाह ने उन्हें जो अलमता फ़रमाया था उसकी मिसाल भी कम ही मिलती है एक अंग्रेज़ उनकी खिदमत में हाजिर हुआ कहने लगा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो आपके क़ुरान से मुतल है आपने शायद फरमाया पूछ लो वो कहता है मैंने सुना है कि कुरान मजीद में है कि हर शय का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है तो अगर कोई बंदा सोना बनाना चाहे या कोई बंदा कीमिया बनाना चाहे तो क्या कुरान मजीद में उसका भी कोई जिक्र मौजूद है उसका भी तरीक़ा मौजूद है तो शाह फरमाया जब मेरे अल्लाह ने फरमाया है कि हर शय का ज़िक्र मौजूद है तो यकीन यकीन है हमें कि उसमें भी उसका जिक्र मौजूद है तो कहता है जी अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कुरान से कीमयाब बनाकर यहाँ मेरी निगाहों के सामने मुझे दिखाएँ तो क्या आप कर देंगे उन्हें फरमायाकीन मोमिन हूँ मुझे अल्लाह के कलाम पर यकीन है मेरा रब जो है वो सच्चा है और उसने जो फरमाया है सच फरमाया है इसलिए यकीन ऐसा हो सकता है तो उसने कोई थोड़ी सी मिट्टी दी कहने लगा कि ये लें जी फिर इसे कीमियाब बना कर दिखा दें आपने कुरान मजीद व फुर्क़ान हमीद के कुछ कलिमाते तो ये बात की तिलावत की और उसके बाद फूक मारा उस मिट्टी के उन जर्रों पर जो उसने दी थी तो उसकी निगाहों के सामने वो शायद कीमिया बन गई अब वो बड़ा हैरान हुआ कि मैं तो समझता था कि ये वैसे ही अरबी ज़ुबान के कुछ कलमे हैं यकीनन इनमें तो वो तासीर है अल्लाह ने सच फरमाया है अब उसका अगला सवाल ये था कि आपने तो ये पढ़ा तो ये कीमिया बन गई लेकिन अगर कोई और ये पढ़े तो क्या उसके पढ़ने से भी ये कीमिया बन सकती है सोना बन सकता है या कोई बंदा इससे कोई और चीज़ बनाना चाहे तो मिट्टी में वो जो पैर कोई शे है तो क्या वो मिट्टी से तब्दील हो सकती है तो शाहरजीमजी रमो फरमाते बात यह है अल्लाह का क़लाम सच है ज़ुबानों का फ़र्क है अगर उस जुबान से पढ़ी जाए जिस जुबान का अल्लाह के कुरान के साथ इतना ताल्लुक़ है और कुरान मजीद व फुर्कान हमीद के साथ उस बंदे की वाबस्तगी है तो यकी जिस जुबान से भी पढ़ा जाएगा वो उस जुबान से अल्लाह करीब जल्ला जलालू हर शय को जिसको वो चाहेगा कि बना देगा अब मैं आपको ये वाक़ सुनाने के बाद कुरान मजीद व फुरक़ान हमीद की इस शादी गिरामी से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रबालमीन ने सच फरमाया यकीनन परेशानियों का हल भी कुरान मजीद में है मुश्किल का हल भी कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद में है लेकिन बात सिर्फ़ है ज़ुबान की कि जो बंदा कुरान मजीद की तिलावत कर रहा हो क्या उसकी ज़ुबान ऐसी है कुरान मजीद के कलमात तीबात उससे जब अदा हों तो में वो ही तासीर हो उनसे वही फवाद और बरकत हासिल किए जा सकते हो यकीन अगर ज़बान ऐसी है कि वो मानूस है अल्लाह के कलाम से और ज़बान पाक है तो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है बंदा उससे फवाद और बरकत हासिल कर सकता है मैं ये बात अर्ज करने के बाद आपकी तवज की समर तरफ दिलाना चाहता हूं कि बाज ये होता है कि कोई बंदा वजीफा पड़ता है तो उसमें अगर उसका कोई काम जो वो करना चाहता है चाहे वो कीमयाही के ना बनाना चाहे तो वो काम होता नहीं तो बंदा ये समझता है कि मुमकिन है ये मुझे जो बताया गया है शायद ये वजीफा ही ठीक ना हो बताने वाले ने शायद मुझे सही तरीके से बताया ना हो लेकिन इंसान को हमेशा अपनी कमजोरी पर नज़र रखनी चाहिए कि शायद मैंने इसमें कोई गलती की हो शायद मुझसे कोई इसमें गलती और ख़ता हो गई हो अब इसके लिए मैंने एक बात आपकी तवज्जो के लिए ज़रूरत करना है कि हमेशा कुरान मजीद व फ्रकान हमीद को जब पढ़ा जाए ए जिस नीयत से पढ़ा जाए सबसे पहले उसके अल्फाज उसके कलमात उसके हरूफ उनको कमा हकू मखारज के साथ सही पढ़ना ये जरूरी है क्योंकि अरबी जुबान बड़ी नाजुक है उसमें कोई छोटा छोटा भी अगर आ, कोई कमी बेशी हो जाए ना ज़बर ज़ेर की किसी अरब को लंबा कर दिया किसी को छोटा कर दिया तो वो माना ही तब्दील हो जाता है ये मेन चीज़ है जिसकी तरफ मैंने आपको तोजो दिलानी है अगर कलमात तयबात जो बताए गए हों वो सही पढ़े जाएँ फिर अगली चीज़ एक और जो बात मैंने अर्ज़ करनी है वो हमारी लापरवाही है उसकी वजह से कि फरिश्ते अल्लाह की पाक मखलूक हैं जो इन कलमात तयबात को लेकर वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ इनका काम होता है जहाँ कोई मुश्किल अड़ी हो जहाँ कोई फंसी हो कोई चीज़ उसको दूर करने के लिए इन फरिश्तों का काम ये है कि इनको वह तासीर जो अल्लाह ने इन रखी है उनको वहाँ तक ले जाते हैं लेकिन अगर हम में तिलावत करते हुए कोई ऐसी चीज़ मौजूद है या जहां हम तिलावत कर रहे हैं वहां ही कोई ऐसा वजीफा पढ़ते हुए कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिससे उन फरिश्तों को नफरत है जिससे वो फरिश्ते नफरत करते हैं तो यकीन मैं उसकी एक मिसाल आपको ये अर्ज़ करता हूँ आप किसी ऐसी जगह कोई कलाम पढ़ रहे हैं जहाँ फोटो मौजूद है जहाँ तस्वीर मौजूद है यकीन ये फरिश्ते जो बीमारियों को और परेशानियों को और मुश्किल को दूर करने का सबब बनते हैं इन कलमात तजब के ज़रिए वो तो यकीन आएँगे और वहाँ से उन कलमात तयबात को ले जाएंगे लेकिन अगर वहाँ तस्वीर हो तो अल्लाह के बाहू रसूल सल्लासम ने फरमाया है जहाँ कुत्ता हो जहाँ कोई जुनबी और पलीत रहता हो जहाँ कोई तस्वीर हो वहाँ अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते अब जिन फरिश्तों ने इन कलमात तयब को वहाँ तक ले जाकर उस मुश्किल मुश्किल को दूर करना है उस बीमारी से शफा का सबब बनना है अगर वो इन कलम को ले ही ना जाएं और बल्कि हमने उनके लिए दरवाजे बंद कर रखे हों कि वो यहाँ आए ही नहीं तो फिर कलिमा आप एक बार की बजाय सैकड़ों बार पढ़ लें क्योंकि न वो वहाँ पहुँचे जहाँ उनको पहुँचना था और न ही वो मुश्किल का हल का सबब बनती हैं ना ही वो परेशानी दूर होती है तो एक चीज़ मैंने ये अर्ज़ की कि जहाँ वो कलमात तयब तो अल्लाह का पाक कलाम पढ़ा जा रहा हो उनके ये ख्याल रखना है कि फ़रिश्तों के लिए रास्ते हमवार रखे जाएं, फरिश्तों के लिए दरवाजे बंद न किए जाएं, जो रहमत के फरिश्ते आते हैं तो उनके लिए अगर दरवाज़ा खुला हो यकीन वो आएंगे और उनको ले जाएंगे। इसलिए मैं आप ख़ातन हजरा की समर की तरफ दिलाता हूँ अगली बात यह है कि फ़रिश्तों का एक तरीका है कुछ फरिश्ते वो हैं मसल हैं किराम कातबीन आपने जो क़लमात तजबा ज़बान से अदा किए वो इनको नेकी के तौर पर या कोई गलत काम किया तो बुराई को वो लिख लेंगे तो नाम आमाल में लिखे जाएंगे लेकिन वो कलिमात तजबात जो हम किसी नेक मकसद या हसूल मकसद के लिए या परेशानियों से हल के लिए पढ़ते हैं उनके लिएदा फ़रिश्तों की ड्यूटी है वो वहाँ उनको ले जाते हैं लेकिन किसी बंदे ने अगर अपने मुंह को सिगरेट के उस धुएं से या तंबाकू से इतना बदबूदार बना रखा हो या कभी उसने मिसवाक तक न किया हो उसके मुंह से बदबू आ रही हो तो वो फरिश्ते यकीन उस मुंह से वो कलेमात लेने के लिए तैयार नहीं होंगे क्योंकि उन्हें बदबू तंग करती है और बदबू की वजह से वो कल लेने के लिए उस बंदे के मुँह के नज़दीक भी नहीं आते लिहाजा अब इन बाकी सारी बातों को पेश नजर रखने के बाद एक इस बात को भी जरूर जहन में रखना है कि जिस मुँह से हम वो कलमात तो बात पढ़ें उनमें न सिगरेट की बदबू हो न उसमें कोई हुक्के की और तम्बाकू की बदबू हो ना ही किसी और किस्म की बदबू हो लिहाजा भलाई इसी में है कि मिसवा किया जाए मुंह को साफ रखा जाए और फिर कलमात तयबा तो पढ़े जाए तो यकीन ये कलमात वहाँ पहुँचेंगे जहाँ रबालमी जल जला जलालू मुश्किल का हल निकालते हैं तो अभी ये चंद इब्तदाई बातें थीं इसके बाद फिर अगली बात अगर वक्त मिलता है तो मैं अर्ज़ करता हूँ अभी टेलीफोन कॉल सुनते हैं उसके बाद इन शाला फिर आपसे मज़ीद बातें होंगी असलकम वरहल वरक जी, जी, जी शाह जी मैंने लास्ट वीक भी आपको फ़ोन किया था तो आपने मुझे एक दो वजीफे दिए हैं ना तो मुझे उनके बारे में यह पूछना है कि वो जो आपने दो रकात दी है ना तो पाँच उसके साथ जो जितने आपने बोले जितने आपने बच्चे तादाद में दुआ पढ़नी है ना तो मुझे उस ये पता करना है थोड़ी सी कन्फ्यूज मैंने अभी वो दुआ निकाल के लिख कर रख लिया अपने पास लेकिन मैंने शुरू नहीं किया मैं थोड़ी कन्फ्यूज थी वो जो आपने बोला नफुल पढ़ने उनके लिए लादा नफल पढ़ने और दूसरा के तखियात तो सलाम फेरने से पहले वो दुआ पढ़नी है यह कहता थोड़ा सा आपने तरीका नहीं बताया था अगर मेहरबानी होगी वो बता दें तो जी बहुत शुक्रिया बहन इंशाल्लाह बहुत दूसरा ये शाह जो आपने मुझे बोला था सूरत यासिन पढ़ने के लिए ना जी तो मैंने ऊंची आवाज में घर में सूर्य या पढ़नी शुरू की है पहले भी मैं हर दिन सुबह पढ़ती थी लेकिन ऊंची आवाज से नहीं जब आपने बोले, से आपने मैं ऊँची आवाज से पढ़नी शुरू की थी तो ऐसा हुआ कि दो दिन ना मैंने आपसे ये पूछना चाहती कि मैं ऊँची आवाज से पढ़ी है तो मेरे सर में उस दिन इतना दर्द हुआ पूरे में भी और सर में भी ऐसे दर्द जैसे दिमाग में जैसे किसी पंजा डाल, ऐसे तो दो दिन दो दिन मुझे बहुत तकलीफ होती थी लेकिन उसके बाद अलहमदुल्ल मैं पढ़ रही हूँ मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई ना ये मैं पूछना चाहती थी क्या बात है तो तीसरा ये है कि जब आप जो वजीफा देते हो जैसे वो आपने वीजे के लिए बताया था या जो भी अगर वो नापाकी की हालत में भी हो तो अगर उधर जाना पड़े तो पढ़ना हो तो आप थोड़ा सा ये बता दें प्लीज जी बहन बहुत शुक्रिया मैं इनशाला अर्ज करता हूँ बहुत शुक्रिया जी बहन चूंकि तो ये पहला सवाल आपका है इसलिए मैं दूसरी फूनकार सुनने से पहले अर्ज़ करता हूँ कि वो दो रकाज़ नफल एक्स्ट्रा पढ़ने हैं जी जो कुछ नमाजों के साथ जो नफल पढ़े जाते हैं वो तो नमाज के साथ होते हैं ताकि नमाज में अगर कुछ छोटे बोझ कमी बेशी हो गई हो तो वो इन नफलों की बरकत से अल्लाह तवा फरमाते हैं कुछ लोग लापरवाही से नवाफिर को छोड़ते वो नहीं छोड़ने चाहिए जी ज़रूरी नहीं होते हुक्मन लेकिन इसके फ़वाद बहुत ज़्यादा होते हैं नमाज में कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ रह जाती है जिस बंदे को पता नहीं चलता अल्लाह तद के उनको फरमा देता है तो इसके लिए दो रकात पढ़ने हैं। ये आप खुद की तो कर रही हैं। लेकिन किसी और मकसद के लिए पढ़ रही है कोई और, नहीं जाएं। ये दो रकात पढ़े जाएं। और जहां आप दरुद पाक पढ़ती हैं ना इनक हमीद मजीद के बाद सलाम से पहले यह दुआ पढ़नी चाहिए और सूर्य यासी जो आपने ऊँची आवाज़ से पढ़ी है अगर तकलीफ हो तो इसी को ही आप तीन बार एक्स्ट्रा दरूद से पढ़ पानी पर दम करके ख़ुद पी लिया करें तो ये इन शीद आप आपके अंदर अगर इस तरह की कोई तकलीफ हो तो उसे भी आ दूर होगी वीज़े के लिए या जिस काम के लिए भी कोई वज़ाइफ़ बताए जाएँ रहमान मसला हम पढ़ते हैं हर वक़्त पढ़ते हैं तो ये भी कुरान मजीद में है लेकिन हम इसको कुरान की नीयत से नहीं बिसम की नीयत से पढ़ते हैं इसी तरह जो दुआएं हम पढ़ते हैं वो कुरान मजीद में हैं तो सही उनको दुआ की नीयत से पढ़ते हैं तो वो जायज़ है कलमा शरीफ़ है ला इलाहा इल्लल्लाह भी कुरान मजीद में एक मक़ाम पे है रसूलुल्लाह भी एक मक़ाम पे है सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम तो इन कलमात को वज़ायफ़ की नीयत से पढ़ा जाता है और ये उस सूरत में जायज़ है इनको क़ुरान मजीद की आयात की नीयत से नहीं पढ़ा जाता बहुत शुक्रिया जी दूसरी फ़ोन कॉल सुनते हैं अलकुम वरह वरक असलम बुजुर्गो मैं मिसिज फातमा बोल रही हूँ बर्मिंघम तो जी फरमाओ जी बजुर्ग मेरा छोटे जे दो सवाल ने एक मेरा सवाल यह है कि मैं जो तो भी नमाज पढ़नी है या जेडी भी कोई नमाज हो वे पता नहीं दुनिया दे ख्याल मैं बहुत दफा तोबा करके अल्लाह को नमाज च खड़ी होनी कि यार अल्लाह मैं ये दुनिया दे जेड़े ने इस तरह के चक्कर इन्हों तो हो लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ख्याल जेड़े नमाज च आई जाते हैं दूसरी गल है कि मैं ना छोटा जा एक प्रॉपर्टी अस खरीदना चाह रहे थे उधर ना कुछ एडवांस भी दिता

कुछ हो नहीं रहा वो तो बाहर है मैं थोड़ा जब ज़िन्दगी तो होते परेशान है कि कोई इससे मतलब के अल्लाह करे कोई इसका हल हो जाए आ, बहुत शुक्रिया बहन निमाज में दुनिया के ख्यालात साहब कराम ने नबी करीम सल्ला वसम की बारगाह में रर्ज़ किया था तो हजूर ने तसली दी थी कि इसका मतलब ये है कि नमाज आपकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रही है इसी वजह से शैतान आपको बाहर के ख़्याल डालता है ताकि आपका नमाज की तरफ़ ध्यान न रहे तो ये कबूलीत की अलामत है कोई बात नहीं अल्लाह तबारक व ताल की बारगाह में आपकी नमाज़ कबूल है और इसके लिए बुजुर्गों ने एक तरीका ये बताया है कि नमाज़ में अगर बाहर के ख़्याल ज़्यादा आते हों तो नमाज के दौरान जब आप हाथ बांधे ना तो हाथ थोड़े दबा के रखें जहां हाथ बांध गए हैं मर्द भी अगर किसी को ये शिकायत कि नमाज़ में नमाज़ के दौरान बाहर के ख़्याल आते हैं तो जहाँ हाथ बांधते हैं नाफ से नीचे मर्द बांधते हैं तो वो वहाँ दबा के रखेंगी इनको दबाए रखें थोड़ा सा प्रेशर हो हाथों के ऊपर और इसी तरह ख़वात जहाँ हाथ बांधती हैं वो भी इनको थोड़ा सा प्रेशर डाल कर दबा के रखें तो इन शजी ये ख़्याल में कमी आ जाएगी और जो इसख़ारा आपने फरमाया आपने पढ़ा इसके लिए जो काम एक तो ख़्वाब का मुझे नहीं पता कि आपने क्या देखा उसकी तफस आ, मैं नहीं समझ सका लेकिन आप इसखारा जारी जी और इस नियत से न करें एक तो इस्तारे की दुआ तीन बार पढ़ें और इस्तारा करने के बाद फिर आप लगी रहें तो यकीन अल्लाह करीम आपके लिए वो रास्ते खोल देगा जो आपके लिए बेहतर हैं और इसमें इनशाला दोनों जहानों की भलाई होगी और फिर अगर कोई चीज़ चाहिए तो मैं इनशाला आपको कोई वजीफ़ारज करूँगा अल्लाह करेगा आपके ये मामला हल हो जाएंगे एक और फूनकार सुनते हैं असल वरहमल तो ख़्वीन हज़रा में अभी इस फ़ोन कॉल से कॉलर से माजरत चाहेंगे थोड़ी सी ब्रेक लेंगे उसके बाद फिर इन बात को आगे बढ़ाऊँगा ताकि ये वज़ाय पढ़ने के बाद उसका जो रिज़ल्ट नहीं मिलता उसका कोई ना कोई हल निकाला जाए अल्लाह हमें कुरान मजीद की बरक़ात से माला माल होने की तोहफी कदा फ़रमाए थोड़ी देर के लिए इजाज़त चाहते हैं ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होंगे इनशाजी